और पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की कॉल पर कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने मीडिया वर्कर्स की जबरी बरतरफियों के खिलाफ और आजादी सहावत के हक में कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया। मुजाहरे में मजदूर रहनुमाओं और सिविल सोसाइटी के अफराद ने भी शिरकत की। कसीम सईद इस पर रिपोर्ट करेंगे। मुल्क भर की तरह कराची में भी सहाफी बरादरी ने वाजबात की अदम अदायगी और इदारों से जबरी बरतरफियों के खिलाफ एहतजाज किया। PFUJ की कॉल पर कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के तहत मुनक्कदा एहतजाज में मीडिया मुखालिफ हुकूमती पॉलिसियों को तनकीद का निशाना बनाया गया। नहीं मुमकिन कि हम खामोश रहें कि आप कॉन्ट्रैक्ट पे सब परमानेंट स्टाफ को कॉन्ट्रैक्ट पे करते जा रहे हैं, इसके खिलाफ आवाज़ न उठेगी। अगर ना उठेगी तो कैसे होगा, गुजारा कैसे चलेगा। एहतजाज में दीगर मजदूर रहनुमाओं और सिविल सोसाइटी ने भी सहाफियों के साथ इजहार यकजहती करते हुए इस अजम का इजहार किया कि वो सहाफियों के जद्दोजहद में इनके शाना बशाना हैं। सहाफियों को हम समझते हैं कि वो जमहूरियत की आवाज़ होते हैं, सहाफियों को हम समझते हैं कि वो गरीबों की आवाज़ होते हैं, लेकिन हमें देख के ये दुख होता है और अंदर से दुख होता है कि सहाफी जो सबके लिए आवाज बुलंद करते हैं खुद उनकी आवाज को उनके इदारों में दबाया जाता है। कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने मुतालबा किया कि मुल्क भर के सरकारी और निजी सहाफी इदारों से मीडिया वर्कर्स की जबरी बरतरफियां फिलफौर बंद की जाए और वाजबात की अदायगी को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन फरहान इलियास के साथ असीम सईद, जियो न्यूज़ कराची।